गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, नॉर्थन प्लेन्स। नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स। लोकेशन एंड एक्सटेंशन क्या होता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, एक्सटेंशन मतलब कितना लंबा है, कितनी दूरी तक है, कितने में फैला है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थन प्लेन्स जो है कि मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वाई? बिकॉज द प्लेन्स आर लोकेटेड टू साउथ ऑफ द हिमालय, द लाई ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हिमालयस, एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। द प्लेन्स स्ट्रेच ओवर स्ट्रेट लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर एंड अबाउट 150 to 300 किलोमीटर। वेस्ट एंड असम टू ईस्ट, पंजाब जो वेस्ट में पड़ रहा है और ईस्ट साइड में आपका असम पड़ जा रहा है। द प्लेन्स स्ट्रेच ओवर अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर, जो इसकी स्ट्रेच फैली हुई है, लंबाई जो है 2400 किलोमीटर एंड वेथ, चौड़ाई जो है 150 to 300 किलोमीटर तक है। दे कवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम। इसकी जो स्टेट्स कवर करता है नॉर्थन प्लेन, जिस पार्ट्स को, उसमें आ जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम, सम पार्ट्स ऑफ असम आ जाते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स कंप्राइज फ्लैट एंड लेवल लैंड, द राइस रिवर्स ऑर्गेनाइटिंग इन हिमालय रीजन फ्लो थ्रू द प्लेन्स। प्लेन्स में आप जानते हैं कि रिवर्स फ्लो होती है, तो जो हिमालय रीजन से रिवर्स निकलती हो इसी प्लेन्स के थ्रू जाते हैं। दिस रिवर्स आर स्नो फेड, और ये रिवर्स स्नो फेड होते हैं, बर्फ के पिघलने से होता है। वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसमें थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर मिलेगा। वाई? बिकॉज ऑफ आइस मेल्ट होते रहते हैं और वो निकलते, उसमें वाटर होते रहते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्थन प्लेन्स का पूरा डायग्राम आपको दिया गया है ग्रीन पार्ट में, कि कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें कौन कौन से रीजन्स आ जा रहे हैं। दे आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स मतलब होल ईयर्स बहती है वो पेरेनियल ईयर्स। दे ब्रिंग डाउन सॉयल फ्रॉम अपर रीजन, अपर रीजन जो पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टियाँ बहाकर लेकर आती है, ऑल्सो नोन एज सिल्ट और एल्यूविलियम, इसी को सिल्ट कहा जाता है, एल्यूविलियम सॉयल कहा जाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, देयर फॉर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये सबसे फर्टाइल, फर्टाइल मतलब their banks and spread to the fertile alluvium soil making this plains to most fertile region in the country। क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है तो रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, जिसमें बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी आती है बैंक के चारों तरफ चली जाती है और फर्टाइलिटी बढ़ जाती है। द एरिया इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ राइस बाउल ऑफ इंडिया, और मोस्ट ऑफ इंडिया राइस इज ग्रोन है, इसी रीजन को, इसी पार्ट्स में ज़्यादा राइस होते, इसलिए इसको राइस बाउल, धान का कटोरा भी कहा जाता है। मेनी अदर क्रॉप्स ऑल्सो ग्रोन हियर, राइस के अलावा और भी बहुत से क्रॉप यहाँ ग्रोन किए जाते हैं। द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स हैव सर्वल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ। द रिवर बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड ड्रेन बाय द रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज। द नॉर्थन प्लेन्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री रिवर्स बेसिन, नॉर्थन पार्ट को ट्रिब्यूटरीज जो है उसकी सहायक नदियाँ, बेसिन मतलब द लैंड ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ब्रांचेस। तो थ्री पार्ट्स में नॉर्थन प्लेन्स को डिवाइड करती है। तो पहला जो है सतलुज बेसिन, द रिवर सतलुज इज ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश। सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज है सतलुज बेसिन से होते हुए जाती है पंजाब एंड हिमाचल में। दे ज्वाइन इन इंदूज रिवर इन पाकिस्तान, और जाके मिल ज्वाइन कहाँ करते हैं, इंदूज रिवर इन पाकिस्तान, इंदूज रिवर फ्लो इन टू द अरेबियन सी, और वो जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, सी दैट सतलुज रीजन डॉट नॉट रिसीव मच रेनफॉल एंड फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन द अदर मीन्स ऑफ इरीगेशन। सतलुज रिवर में ज़्यादा रेन फॉल मिलता नहीं है, दैट्स वाई वहाँ के जो फार्मर्स होते रहने डैम्स मतलब बांध।
द भाखरा नांगल डैम बुल्ट ऑन द सुतल रिवर स्पॉइल टू रीजन विच वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर पे बना है, यह एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है एंड इरीगेशन के लिए वाटर भी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज डिवाइड इंटू इंदिरा गांधी कैनल विच सप्लाइज वाटर टू राजस्थान। जो कि इंदिरा गांधी कैनल बहुत बड़ी नहर है, ये आपके राजस्थान के पार्ट्स को पानी प्रोवाइड करती है। द गंगा बेसिन, मेनी ट्रिब्यूटरीज दैट अराइज इन हिमालय ज्वाइन टू द गंगा, इमिनाइज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की सबसे बड़ी और मेन सहायक नदी है वो है आपकी यमुना। द यमुना ज्वाइंस द गंगा नियर अलाहाबाद। अब यमुना कहाँ ज्वाइन करती है गंगा को, तो अलाहाबाद में। देयर मीटिंग प्लेस इज नोन एज संगम। आप जानते हैं तीन नदियों के जो संगम होता है वही संगम कहलाता है, लेकिन यमुना प्लस गंगा का ज़्यादा नाम आता है। द गंगा गंगा अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स। अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ, अपने सहायक नदियों के साथ नॉर्थन प्लेन में गंगा बहती है। द गंगा बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस वीट जूट एंड शुगर का। जो गंगा बेसिन का पार्ट है ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल का पार्ट है, और यहाँ का जो मेजर का मुख्य फसलें ग्रो होती है राइस वीट जूट एंड शुगर केन। राइस वीट जूट एंड शुगर केन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज संगपा। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वह ऑर्गेनाइट व उद्गम प्रदेश फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश जाती है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा, और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, जिसको लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कहा जाता है। द फर्टाइल सॉयल इन दिस रीजन सपोर्ट्स द लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड राइस। तो फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन, इस रीजन का फर्टाइल सॉइल जो रहता है लार्ज स्केल में, यहाँ पे जूट और राइस कल्टीवेशन होता है। और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी फॉर्म करते हैं, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन प्लेस, अब हम देखेंगे कि नॉर्थन प्लेस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके इम्पोर्टेंस उसकी हमें क्या हो सकता है। As the region is well fed by the mighty rivers, the soil of the plains is very good for growing crops. एक तो यहाँ का जो soil है fertile है because of rivers से जो बह के आती हैं upper part से। The soil of the plains is very good for growing crops, और जो crops growing के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। The climate is not as cold as in northern mountains, so people have settled down here in large numbers. क्लाइमेट इज़ नॉट सोल्ड, यहाँ का क्लाइमेट भी इतना कोल्ड नहीं है कि लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन भी वेल एंड सेटल्ड है। सिंस द लैंड इज़ फ्लैट एंड गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गुड प्रोड्यूस हियर टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। यहाँ तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या जो क्रॉस प्रोडक्शन होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ नॉर्थन प्लेन। एक स्टेट आता है पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो योर आंसर विल बी स्टूडेंट चंडीगढ़। आपको वन लाइनर में आ सकता है एग्जामिनेशन में। लैंग्वेज स्पोकन इन पंजाब, पंजाबी एंड हिंदी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, तो पंजाबी एंड हिंदी। रिवर्स सतलज, बीज रिवर्स, रावी रिवर्स, भाखरा डैम ऑन रिवर्स सतलज। क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट मौसम कैसा है, हॉट समर्स, समर्स में बहुत गर्मी, कोल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल है और विंटर्स भी बहुत कोल्ड होता है। एक्यूपेशन, एक्यूपेशन मतलब लोगों के यहाँ का व्यवसाय क्या है, यहाँ के लोग क्या करना पसंद करते हैं या यहाँ लोग क्या अक्सर करते हैं। लार्ज स्केल फार्मिंग इन रूरल एरिया, अदर ऑक्यूपेशन इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज़ में लोग मोस्टली एग्रीकल्चर ही प्रीफर करते हैं।
मेन क्रॉप्स यहाँ की पंजाब की मेन क्रॉप्स है आपकी वीट राइस एंड शुगर केन। वीट गेहूँ राइस चावल शुगर केन मतलब गन्ना जिसे ईख कहते हैं या ऊख। ट्रेडिशनल ड्रेस चूड़ीदार सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा फॉर वुमेन कुर्ता पैजामा फॉर मेन सिख मेन वियर टू टर्बन और पगड़ी यहाँ पे लोग पगड़ी पहनते। मेन फेस्टिवल गुरुपुरब बैसाखी लोहरी एंड दिवाली। फ्लोक डांस यहाँ का क्या है भागरा एंड गिद्धा। यहाँ का फ्लोक डांस क्या है भागरा एंड गिद्धा। स्पेशल बोर्ड मक्के की रोटी सरसों का साग दाल राइस एंड लस्सी। सम प्लेसेस टू विजिट कुछ ऐसी प्लेसेस जो यहाँ पे विजिट करने के लिए है। प्लेस है गोल्डन टेम्पल अमृतसर चंडीगढ़ बाग बाघा बॉर्डर एंड लुधियाना एंड जालियांवाला बाग। सी दैट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए परफॉर्मिंग भांगरा बीट पेल भाखरा डैम ऑन रिवर सतलुज। नेक्स्ट जो स्टेट आता है आपको प्लेन रिवर्स में वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं और हिंदी में कलकत्ता। लैंग्वेज स्पोकन यहाँ पे बांग्ला। क्लाइमेट क्या है यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड समर्स हैवी मानसून प्लीजेंट विंटर्स। प्लीजेंट विंटर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है और न ही बहुत कम। यहाँ का मेजर क्रॉप्स क्या है राइस एंड जूट। ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी फॉर वुमेन एंड धोती कुर्ता फॉर मेन। मेजर फेस्टिवल दुर्गा पूजा दिवाली होली। यहाँ का मेजर फेस्टिवल क्या है दुर्गा पूजा दिवाली एंड होली। स्पेशल फूड फिश कुक इन मस्टर्ड पेस्ट सरसों के पेस्ट में जो फिश बनाई जाती है। प्यास ऑफ राइस पोरीज वैरायटी ऑफ स्वीट्स सच है संदेश एंड रसगुल्ला। नाउ नेक्स्ट आता है हरियाणा जिसका कैपिटल ऑल्सो चंडीगढ़। लैंग्वेज उसका हरियाणवी एंड हिंदी हरियाणवी और हिंदी लैंग्वेज। रिवर्स यमुना एंड सतलुज। क्लाइमेट यहाँ का हॉट एंड समर है हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स विथ मॉडरेट रेनफॉल। ऑक्यूपेशन फार्मिंग कैटल रेनिंग एंड डेयरी फार्मिंग। हरियाणा में आप मोस्टली देखेंगे तो बोफेलोज का ज़्यादा वर्क है सो यहाँ का कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग फेमस है। मेन क्रॉस वीट राइस एंड शुगर केन। ट्रेडिशनल ड्रेस दामन और लॉन्ग एंकल लेंथ कलरफुल स्कर्ट कुर्ती और वेस्ट लेंथ ब्लाउज एंड चूड़ीदार और लॉन्ग कलर्ड क्लोथ विच इज़ ओन ऑफ चुन्नी फॉर वुमेन धोती कुर्ता एंड पगड़ी फॉर मेन मेंस के लिए। मेन फेस्टिवल लोहरी गेंगरू एंड बैसाखी। आंसर इज कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ एंड लैंग्वेज स्पोकन इन हरियाणा इज हरियाणवी एंड हिंदी। मेन क्रॉप्स ऑफ हरियाणा वीट राइस एंड शुगर केन। मेन फेस्टिवल ऑफ हरियाणा लोहरी गेंगोर एंड बैसाखी। व्हाट इज द फ्लोक डांस यहाँ का मेन नृत्य क्या है दैट इज घूमर एंड झूमर। स्पेशल फूड कड़ी पकौड़ा टमाटर चटनी एंड बाजरा आलू। नाउ दिल्ली ऑफिशियल नेम नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो कि हमारे भारत की राजधानी है। यहाँ पे जो रिवर है वो यमुना है। एक्सट्रीम क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई समर्स वेरी कोल्ड फोगी विंटर्स। फोगी मतलब कोहरेदार ज़्यादा होता है मॉडरेट रेनफॉल। फेस्टिवल ऑल मेजर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड यहाँ। यहाँ पे सारे फेस्टिवल जितने भी मेजर फेस्टिवल्स है सारे के सारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। सम प्लेसेस टू विजिट हिस्टोरिक कल्चर मॉन्यूमेंट सच एज रेड फोर्ट इंडिया गेट कुतुब मीनार हिमालय टॉम जंतर मंतर नेहरू प्लेटिनम एंड जूलॉजिकल पार्क ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। नाउ आता है हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश जिसका कैपिटल है लखनऊ। तो लैंग्वेज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश तो लैंग्वेज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश इज हिंदी एंड उर्दू। क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ आवर उत्तर प्रदेश इज हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स विथ मॉडरेट रेनफॉल। मेजर क्रॉप्स यहाँ की जो मेजर फसलें हैं वो क्या हैं वीट राइस शुगर केन पल्सेस ऑयल सीड। वीट गेहूँ राइस शुगर केन पल्सेस दाल ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल निकलते हैं उससे सरसों वगैरह हो गई सनफ्लावर का जो आता है। मेजर फेस्टिवल होली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ मेरठ आगरा कानपुर अलाहाबाद एंड वाराणसी। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है अलाहाबाद एंड वाराणसी। वी आर सिचुएटेड इन
वाराणसी। बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। लैंग्वेज स्पोकन हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। क्लाइमेट हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, मॉडरेट रेनफॉल। मेजर क्रॉप्स राइस, वीट, सुगर केन एंड जूट। मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे मेजर क्रॉप्स मिलते जुलते हैं। मेजर फेस्टिवल्स दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज, छठ पूजा एंड तीज। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पटना, भागलपुर, गया एंड मुजफ्फरपुर। लीची प्रोडक्शन में जो है बिहार आपका 65% यही देता है इंडिया को। इंडिया में जो भी लीची प्रोडक्शन होता है उसका 65% कहाँ से आता है? बिहार से। यानी यहाँ की जो फेमस चीज़ है लिट्टी चोखा एंड मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ही ओल्ड पेंटिंग है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। नेक्स्ट है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम स्टेट है, उसकी राजधानी क्या है? डिस्ट्रिक्ट दिसपुर। लैंग्वेज स्पोकन एसएमसी या असमसी। क्लाइमेट हॉट समर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट विंटर्स। यहाँ पे रेनफॉल बहुत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट ज़्यादा है। मेजर क्रॉप राइस, जूट एंड टी। यहाँ पे पहाड़ एरिया है तो टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग में आप देखेंगे मतलब सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि पानी उतरते रहे, और ऐसे ही खेतों में ज़्यादातर टी प्लांटेशन होता है। मेजर फेस्ट प्लेस काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी यही है। क्लाइमेट विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी। यहाँ विंटर का जो है वो पीरियड है दिसंबर टू फेब्रवरी। प्री मानसून और समर फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। मानसून फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। हैवी रेन्स एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स। इंडियन रिजर्व इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अ सेल बोट इन रिवर ब्रह्मपुत्र। टी गार्डन। त्रिपुरा जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला। लैंग्वेज स्पोकन बंगाली एंड कोब्रोक। मेजर फेस्टिवल दुर्गा पूजा, दिवाली एंड वाल लैम्प फेस्टिवल। बम्बू एंड कैन हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे बम्बूस ज़्यादा पाए जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ें बम्बू से रिलेटेड ही बनती हैं। यहाँ पे बम्बूस के बॉटल्स सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। नाउ नॉर्थन प्लेस में दिया है कि पंजाब टू असम में हम सब देख चुके हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइजेशन तिब्बत। कहाँ से ऑर्गेनाइज होती है? तिब्बत से। विच ऑफ दिस स्टेट डज नॉट लाइन द नॉर्थन प्लेन्स। ऐसा कौन सा स्टेट है जो नॉर्थन प्लेन में नहीं आता है? तो राजस्थान। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉल्स इन टू द बे ऑफ बंगाल। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ फॉल होती है, कहाँ ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बे मतलब खाड़ी। द भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट टू प्रोवाइड द सतलज रीजन विथ इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिक सिटी के लिए बनाया गया है। द भाखड़ा नांगल डैम इज़ बिल्ट ऑन किस रिवर पे बना है? सतलज। राइट, ट्रू और फॉल्स। पेरिनियल रिवर्स आर रिवर विच फ्लो वंस इन ईयर। फॉल्स। द रिवर्स ब्रिंग डाउन फर्टाइल सोइल नोन एज सिल्ट फ्रॉम द अपर रीजन। दैट इज ट्रू। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज संगपो इन तिब्बत। दैट इज ट्रू। यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। फॉल्स। द प्लेस वेयर द यमुना जॉइंस वीडियो पॉज करके एंड आंसर द फॉलोइंग इज शॉर्ट। इन सब के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर्स में डियर स्टूडेंट्स आपने यह देखा कि किस तरह से नॉर्थन प्लेस में कौन कौन से स्टेट्स हैं और उन स्टेट में हमारा भी एक स्टेट्स आता है। तो इन मोस्टली इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस स्टेट में कौन सी चीज़ फेमस है एंड स्टेट का कैपिटल क्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। ओके, थैंक यू डियर।